हाँ गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, तुम राजकुमार हो ना? जी हाँ सर। सर मैं बिल्कुल नया हूँ, मुझे ड्यूटी के बारे में प्लीज बताइए। कोई बात नहीं, सब मुझ पर छोड़ दो, मुझे चाबी देना। आओ। देखो जेल के इस हिस्से में अनुभव की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ का सुपरवाइजर अच्छा है, हमें बस वहाँ ड्यूटी के मुताबिक मौजूद होना है, बाकी सब वो देख लेगा। तुम्हें टाइम पर आना है, ठीक है? ओके सर। एलेक्स, एलेक्स, एलेक्स। ये सर। सुनो, जो आवाज आई ना वही है यहाँ का सुपरवाइजर एलेक्स। ओ। ये चाबी का गुच्छा उसके हाथों में दे देना, बाकी वो संभाल लेगा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। अच्छा सुनो, ये न्यू जॉइनी है जी। इसे सारा काम बता दो। ओ सर, आप हाजिरी लो, मैं खोल। जी बिल्कुल। गांजे का केस सर, गांजा। ओ सलाम सलाम। इसके पास ये क्या है? उसके लिए चीफ का परमिशन है सर, अच्छा लड़का है। आओ आ रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नमस्ते साहब। तुम्हें ठीक से नींद आई कृष्ण नायर? नए वार्डन सर आए। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते बोलने के लिए इतना झुकने की जरूरत नहीं है सर। क्या है कि ये थोड़ा सा जज्बाती है। क्या कह रहे हैं? ये कह रहा है ये कैदियों का मसाज करता है, अगर आपको कहीं मोच आ गई हो या बदन दर्द हो रहा हो तो ये मसाज करके सब ठीक कर दे। अरे मसाज तो ठीक है भाई, बहुत साल पहले जब ये किसी की मसाज कर रहा था तो भाई उसका हाथ फिसल के सीधा उसके गले पर चला गया और उसी हाथ से के कारण ये यहाँ पर सजा भुगत रहा है। अरे कोटरम, आज तेरी सुनवाई है ना, जा जाकर तैयार हो जा। मेरे और जज के बीच के संबंध कुछ ठीक नहीं है, मैं भले ही कोर्ट जाऊं या ना जाऊं, मैं तो अंदर ही रहने वाला हूं, तो मैं आज जाऊं या नहीं जाऊं? अरे चुप कर। सर चोरी करने का इसका एक स्टाइल है, रात के 12 बजने पर ही ये चोरी करना शुरू करता है। यार तू चुप बैठ, हर काम का एक वक्त होता है, नहीं तो तेरी तरह जेल में बैठना पड़ेगा। वो इसलिए सर के घर में वो 12 बजने का इंतजार कर रहा था और एक कार के पास खड़े खड़े ही वहीं पर वो सो गया। सुबह तो मालिक ने जगाया और कहा चलो चलते हैं, मैंने कहा ठीक है, मैंने भी कोई सवाल नहीं किया, चल पड़ा साथ में। थोड़ी देर चलने के बाद मुझे पता चला कि वो तो मैजिस्ट्रेट है। यही तो बात है। अरे वो कोर्ट के चक्कर लगाए बिना ही उसकी बीवी के घर पहुंच सकता था। क्या बकवास कर रहा है। सर गिनती है 24। ठीक है सर, ये हमेशा आखिरी में खोलते हैं। क्यों? ये बुलेट राघवन का सेल है सर। ए उठ और अपनी हाजिरी दे। ए जा बे। सर थोड़ा पीछे हो जाइए, ये थोड़ा टेढ़ा है, हो सकता है कोई नशा वशा किया हो सुबह सुबह। सर प्लीज। गिनती है 24, सही है ना? हाँ हाँ ठीक है, मेरी ड्यूटी पूरी हुई, मैं चलता हूँ। सर चलता हूँ एलेक्स। आप सभी बाहर चलो। हाँ चलो चलो। सुनो, बुलेट राघवन ने कहा था कि ऊपर कुछ काटना है। ओ अच्छा, तो उसके बाद उसको मेरा कुछ काटने को कहो। जा यार, एक अच्छी गर्दन लेकर आओ जिसे काटने में मजा आए। जेल में और एक गर्दन। तो सही है, बड़ा आया गर्दन वाला।
एलेक्स, ये अरब देश का है। यहाँ पे कुछ इलाज के लिए आया, उसका पासपोर्ट और पैसा किसी ने चुरा लिया। अब एम्बेसी से कोई ना कोई आएगा। अच्छा अच्छा, तब तक ये यहीं रहेगा। गाता अच्छा है वैसे, और सारे गाने अरबी होते हैं। चेहरा क्या देख रहे हो, आईना तो सीधा हो जाओ। अरे ऐसे नहाते हैं क्या? ऐसे नहा रहा जैसे कभी पानी देखा ही नहीं। नहीं देखा है। अरे संभाल के कर, ये उड़ा रहा है। हाँ यहाँ रखो, ये रख दो। आज भी चपाती है क्या? ए थोड़ा दे, देना। आगे चल, देना। चलो आगे जाओ। कृष्ण नायर, ये उनकी जान लेने के लिए या उनका पेट भर रहे हो? ऐसे उनकी जान ही निकल जाएगी। ऐसा क्यों? जेल की चपाती है, इसे कबूतर भी खा के मर जाएंगे। एक पीस इस तरफ भी फेंक दो। अरे इन्हें खिला दोगे तो तुम क्या खाओगे? पता नहीं ये नायर चला गया तो कबूतरों का क्या होगा। कृष्ण नायर, कबूतर चपाती नहीं खा रहे हैं क्या? ये ऐसा ही, हर सुबह जो चपाती से मिलती है वो कबूतर को दे देते। यहाँ पैदाइशी अपराधी और खरीदे हुए अपराधी को छोड़कर साधारण लोग तकरीबन 60% है। उनके पास उनका अपना कारण था जो उन्होंने किया, और उस कारण को कानून ने कभी जानना नहीं चाहा। सुकू आ गया राघवन भाई। मैं लेकर आता हूं, जल्दी ला। चल राघवन भाई के लिए चाय और चपाती दे। वो भूखा रह सकता है, शोषण करवाने के लिए मैं नहीं दे सकता। तूने अभी तक नहीं किया क्या? चला जा। जा बे, दूंगा एक। पागल है क्या? इसके क्या मुंह लग रहा है, जाने दे। जब देखो तब उसका चमचा बना रहता है। ये ले। चल चल, चला राघवन भाई को चल चपाती दे। राघवन भाई, ये चपाती। गोला खवाले, तू जा। अरे आ जा, इधर आ। छोड़ो मुझे। चपाती नहीं खाई क्या? उठ उठ जा। क्या हुआ? तो यहाँ क्या करने आया? ये मुझे एलेक्स से छोड़ दे। सर, राघवन भूखा है, उसे छोड़ दो। राघवन अपने हाथ में रहे। अगर नहीं रहूंगा तो तेरे घर से किसी को लेके आ, समझा? तुझे तो मैं राघवन, तुम अपने सेल में जाओ, सर नहीं। अरे एलेक्स, उसको मेरे बारे में बता दे। अरे मैं बता दूंगा, तुम जाओ ना अपने सेल में। जा। बड़ा आया मुझे रोकने वाला। सर वो थोड़ा सा सनकी है, बेकार में पंगा नहीं लेते हैं। सर आप चाहिए। ऐ जा रहे। क्या हुआ? क्या हुआ? बेचारा लड़का। एलेक्स, इसका केस क्या है? जिस लड़की से प्यार किया उसके साथ भागने का केस। इस लड़के की प्रेमिका के पिता उसके असली पिता नहीं, उसकी दूसरी बीवी उसकी माँ है। उसकी नजर उस लड़की पर थी, एक दिन उसने उसका पीछा किया, उसके बाद से वो दोनों बहुत करीब हो गए। लड़की अपने घर से भागी और उस आदमी ने पुलिस वाले को रिश्वत देकर अटेम्प्ट टू मोलेस्टेशन का केस बना दिया। जाओ, जाके पौधों को पानी दो। वैसे तो बहुत सी कहानियां हैं बात करने की, यहाँ हर इंसान की अलग कहानी। उम्मीद है कि तुम ठीक हो। हाँ, घोड़े की तरह एकदम मस्त। वही तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लो, नाम के लिए बेटा है, हकीकत में किसी काम का नहीं है।
भाई ये तो हमेशा का है, बेटा कभी फोन उठाता नहीं है, बेमतलब दूसरे का टाइम वेस्ट कर रहे हो। चलो साइड हट जाओ। फोन लग नहीं रहा क्या एलेक्स? जाने दो, आज नहीं लगाते, किसी और दिन। यही ठीक रहे, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जाओ ये लो, अगला आओ। ये लो। हेलो बेटे। पापा? तुम ठीक हो बेटे? माँ हमेशा मुझसे लड़ती रहती है। तुम उसकी बातों का बुरा मत मानो, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ पापा, क्या मैं आ जाऊँ? नहीं बेटी, मैं आ जाऊंगा, पर मैं मिलना चाहती हूँ पापा। अच्छा वो सब छोड़ो, आज दीपावली है, तुम मंदिर गई थी? ए, चल बस अभी, चल रख, टाइम खत्म। बस साहब एक मिनट में रख दूंगा मैं बेटा, मैं जल्दी आ जाऊंगा। देखो अब फोन रखने का समय हो गया है। दे पकड़। हाँ अगला कौन है? आओ मेरी बेटी। आओ। डरी हुई लग रही थी, पता नहीं क्या हुआ होगा। अरे वो अपनी माँ के साथ, भला क्यों डरेगी वो? खाना पड़ेगा। हाँ सर, मैं एलेक्स से मिलने आया हूँ। हाँ एलेक्स, एलेक्स इंटरव्यू हॉल में बुलाया है। ठीक है, जो भी सुनेगा ये सोचेगा कि गवर्नमेंट का कोई बड़ा अधिकारी है इसीलिए इंटरव्यू दे रहा है। इस बेचारे के बदन को चीरकर उसमें गड्ढा बनाने की तैयारी हो रही है। आजा, तू इधर आ जा। एलेक्स, दूट यहां से और दफा हो जा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। Oh!
कैटरीना, कैटरीना आप आइए। सर उसमें कुछ भी नहीं है, बस दवाइयाँ और नहाने का साबुन है। और है ही नहीं सर। उसमें नंबर डालो और साइड में रखो। ये एलेक्स की बहन है सर। वैसे सुपरिटेंडेंट जॉन की परमिशन है, एलेक्स को उसकी बहन के साथ मिलने दिया जाए। वो सब ठीक है, पर ज्यादा टाइम ना लगे। ठीक है। तुम रो क्यों रही हो? हाँ? आपको देखकर अच्छा लगा, ये मेरे साथ क्यों नहीं हुआ? ये तुम क्या कह रही? कहाँ है वो वर्गिस? पता नहीं, वो अभी तक आया नहीं। एक फालतू तो इंसान के आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी तुम आती हो मैं तुमसे यही कहता हूँ, तुम मेरे बेटे से मिल पाती हो? क्या उसे यहाँ साथ लाना मुमकिन है? मुमकिन नहीं, मुझे पता है। तुम्हारा भाई अब्दुल कैसा है? बहुत अरसा हो गया उसे मिले। वो चल नहीं पाते पर फिर भी यहाँ आने की जिद करते हैं। उसके ना आने से इलाके की कोई खबर ही नहीं मिलती। भैया, क्या आपने मुझसे कभी नफरत की है? ये तुम क्या कह रही हो? जिंदगी के कुछ अच्छे पल, उसके अंदर सब कुछ खोकर जब मैं सोचती हूँ मुझे लगता है मैं अपने होश खो दूंगी। तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, ये तुम्हारी किस्मत। देखो ऐसे रोना है तो यहां मत आया करो, मुझसे ये रोना धोना नहीं देखा जाए। एलेक्स, टाइम खत्म। मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती, चलती हूं अब। क्या? आखिर ये एलेक्स है कौन? कौन है? अपने पिता के साथ जब मैं पाला से अदिवरम पहुंचा तब मेरी उम्र सिर्फ 14 साल थी। अरे क्या हो गया इसको? इसे मारा, वो मुत्तुकटा के आदमी थे। क्यों? मैं उसके यहाँ मजदूरी कर रहा था, मैंने उससे पैसे मांगे तो मुझे बुरी तरह मारा उसने। हम उस आदमी को ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते, हमें जल्दी कुछ करना होगा। अरे जल्दी पहले इसका इलाज कराओ। बहुत दर्द कर रहा है। उन दिनों पूरा अतिवरम मुत्तुकटा सदाशिवन के कब्जे में था। संभल कराओ। मेरे माता पिता के हम 4 बच्चे हैं, मैं सबसे छोटा हूं।
सुनो, हमारे जीजस की तरह उस आदमी ने अपने आप को गरीबों के लिए बलिदान कर दिया। यहाँ पर बहुत गरीब लोग हैं। जब उस कमीने मुत्तू ने पूरे घाट को अपने कब्जे में कर रखा है, तब हमारे जीजस अकेले काफी नहीं हैं। इसके लिए किसी क्रांतिकारी की जरूरत है। खून के बदले खून बहना चाहिए। जब मैं इसे अपने हाथ में लेता हूँ, तब पता नहीं क्यों मुझे कुछ करने का दिल करता है। मैं किसी से भी डरता नहीं, उस मुत्तू कट्टा से भी नहीं। मैं बड़े से बड़े बाहुबली से टकरा सकता हूँ। कहाँ जा रहा? इधर आ, इधर आ। पापा, वो हाथी। अबे हाथी है तो क्या हुआ? डरना नहीं, ये पकड़। अब आजा, इसे जला। आजा, चल भाग यहां से, भाग। अरे तू मुझे डराना चाहता है? हिम्मत है तो आ गया। मुझे डराने की कोशिश मत कर। मैं तुझे जला दूंगा, जा यहां से। अरे जोर से बोल। अगर हिम्मत है तो आगे आगे दिखा। जा 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 यहां से, जा यहां से। चल, जा जा। ले पकड़। देखा ना तुमने, कोई हाथी इंसान के सामने नहीं टिक सकता। लेकिन ये सब तुम्हें सीखना होगा। तुम्हारे हिम्मत के सामने कोई नहीं टिक सकता। और कितने साल तुम लोग उस हैवान से डरोगे? हम लोगों को बदलना होगा, हम सबको एक साथ खड़ा होना होगा। उन शब्दों ने मुझ में आत्मविश्वास भर दिए। पापा पूरे गांव का हौसला बन गए थे। इनकलाब जिंदाबाद। मुत्तू कट्टा सदाशिवन के खिलाफ जिन मजदूरों पर वो अन्याय कर रहा था, मेरे पिता ने उन मजदूरों को इकट्ठा किया। पापा के नेतृत्व के चलते एक झंडा वहां फहराया गया। वो मजदूर संगठन का पहला लाल झंडा था जो अदिवरम में लहराया गया। ए, तुम हरामी कबीलेश, ये मुत्तू कट्टा का इलाका है। इस जगह को तुम्हारी पार्टी या एजेंट की जरूरत नहीं है। निकलो, दफा करो इसे यहाँ से। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हमारा झंडा लहराता रहे, हमारा झंडा लहराता रहे। ये झंडा यही लहराएगा। अगर तूने इसे छूने की कोशिश की, मिट जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद। सुनो, ये भी था और ये भी। ए, चल इंकलाब जिंदाबाद। तुम भी इंकलाब जिंदाबाद। चलो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। झंडा लगाता है, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तू कौन होता है यह झंडा लगाने वाला? इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। क्रांति शुरू हो गई है। चुप। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अगर इन्हें रोकेंगे तो ये पुलिस स्टेशन जला देंगे सर। इंकलाब जिंदाबाद, पुलिस की दादागिरी नहीं चलेगी, पुलिस की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छोड़ दो इसे। लोगों के बीच से आकर मेरे पिता के गले लगकर रोने वाली कतरीना मेरी छोटी बहन है, ये मुझे उस दिन पता चला। मैंने अपने पिता से कोई सवाल नहीं पूछा, उसके आंसू मेरे सारे सवालों के जवाब थे। कॉम्रेड,
साथियों, इन पहाड़ों में किसान का पसीना सोखने वाले इस आदिवरम की मिट्टी में वो पहला इंसान है जिसने यहाँ लाल झंडा लहराया अपने फौलादी हाथों से। वो है कॉमरेड फिलिपोस। हमारे प्रिय नेता कॉमरेड फिलिपोस को हमारी लोकल कमेटी का सेक्रेटरी चुना जाता है और ये ऐलान करके मुझे खुशी हो रही है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ये क्या कर रही हो? वहाँ जाओ, वहाँ जाके खेलो। अगर माँ को इसके बारे में पता चला तो? कतरीना के बारे में सच जाने बिना माँ हमें छोड़कर चली गई और पिता तुम इसे वापस भेज रहे हो या हम यहाँ से जाएं? उसके माँ बाप नहीं है, उसे सड़क पर छोड़ देंगे तो ईश्वर हमें माफ नहीं करेगा। अच्छा, और माँ को धोखा मिला उसका क्या? क्या हम उन्हें माफ कर सकते हैं? ठीक है, मत माफ करो उसे। गुनहगार का साथ देना गुनाह से भी बड़ा है। तो फिर क्या करूं मैं? जाने दो भैया, मैं चली जाऊंगी। आप मेरी वजह से आपस में मत लड़िए। तुम चुप रहो। तुम सभी को यहाँ लाने के लिए मैंने और पिताजी ने अधिवरम के जंगलों में बहुत मेहनत की है। एक या दो साल के लिए नहीं, 16 सालों तक दिन रात मजदूरी करके हमने ये सब बनाया है और अच्छे से अच्छे घरों में तुम सबकी शादी करवाई। और सुन लो, ये घर मेरे खून पसीने से बना है। यहाँ कौन रहेगा कौन नहीं है मैं तय करूंगा। तो एलेक्स, एक काम करो, हमें हमारा हिस्सा दे दो। जीजाओं का हिस्सा शादी में ही दे दिया गया है, 10 ग्राम सोना। सभी को अपना अपना हिस्सा शादी में दे चुका हूँ, और चाहिए और ले लेना। ये लो, मरने से पहले पिताजी ने जो वसीयत लिखी थी तुम तीनों के लिए काफी हो जाएगा। ये लो, इसे भी आपस में मिलकर बांट के खा लो। इसे ले जा रहा हूं, पापा का खून। मेरी वहां छोटी सी जमीन है, हम वहां रह लेंगे। बैठो। तुम दुखी क्यों हो रही हो? पापा तो अब नहीं रहे, अब मेरा कौन है? तो फिर मैं कौन हूं? अब से तुम्हारी माँ और बाप मैं ही हूं, ठीक है? डरने की जरूरत नहीं है, समझी? देखो मेरी तरफ, तेरा भाई है तेरे साथ, समझी? Oh!
खुला खुनेल फिलिपोस मर गए, उनका बेटा भी जिंदा है। मेरे पिता ने यह झंडा लहराया था, अगर उसे छुआ भी तो तेरे खून से सना हुआ एक झंडा यहाँ लहरा दूंगा। तू अपना झंडा संभाल, मैं अपना, समझ गया ना? गुड आफ्टरनून फादर, कैसे हैं? बहुत ही अच्छा हो। अरे एलेक्स, ये फल यहाँ क्यों लाए हो? ये पहली फसल है, इसलिए चर्च के लिए लाया। अच्छा अच्छा, लाओ। आओ। अरे यहाँ क्यों दे रहे हैं? अरे यार तू चुप बैठ। जहाँ तक मुझे पता है, फिलिपोस जी बारिश से बचने के लिए भी चर्च के अंदर कदम नहीं रखते थे। भले ही वो प्रभु यीशु को नहीं जानते थे, लेकिन प्रभु यीशु के प्रति उनके दिल में विश्वास था। ये आवाज कैसी फादर? यहाँ फाइनल रिहर्सल चल रही है मरगम डांस की। अच्छा, इस बार चर्च का फेस्टिवल अच्छे से होना चाहिए, इसीलिए। क्या है? कथक है क्या? नहीं, ये कुचिपुड़ी है। आप चुप रहिए, ये भरतनाट्यम है। ये भरतनाट्यम भरतनाट्यम नहीं है, नहीं, ये मरगम डांस है। तो फिर इसे कोई और नाम दे दो। अबे तो मरगम डांस वाले के चक्कर में तुम? हाँ, उसके भाई तो जंगली भैंसे जैसे दिखते हैं। उन सबकी इकलौती बहन है वो, जरा संभाल कर रहना। एलेक्स भैया, उस लड़की का नाम क्या है? नाम से तुझे क्या करना है, अपना काम कर। लड़की का नाम? एनी। हाँ भैया। क्या भाभी, खिचड़ी बन गई? हाँ बन गई। एनी इधर आओ, जब तुम मार्केट जाओगी तो ये दे देना। नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे वो छेड़ता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। कहीं तुम उसे छेड़ना मत। आप चुप करो भैया। चारा खरीदने के लिए इसे भेज नहीं सकते क्या? आओ। बस इतना ही? देखो बस इतना सा ही मिला है, 5 लीटर के 75 रुपए। मार्केट में कोई और दुकान नहीं है, इसीलिए फायदा उठा रहा है। कभी भला नहीं होगा तेरा। भैया पहली फुर्सत में निकल यहाँ से। आज 1 लीटर का 1 रुपया है। हम कैसे जिएंगे इतने कम में? इसे उबाल कर पीऊंगा तो तुम्हारे जैसा गोरा हो जाऊंगा। ए बकवास मत करो, समझे? तूने मेरी बकवास देखी कहाँ है? चल दिखा, क्या करेगी? ये तेरे सर पर फेंक दूंगी। हाँ तो फेंक। अरे ये क्या किया? फेंक, फेंक। हम लोग मेहनत करके इसे लाते हैं, फिर भी हमें पैसा नहीं मिलता है और गंदी बातें करता है। तुम अपने आप को किसान समाज का बहुत बड़े नेता समझते हो ना? तुम्हें पता है हम जैसे गरीब जीने के लिए कितना संघर्ष करते हैं? अपने आप को कॉमरेड बुलाता है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक हो जाए। उस दिन उसके लिए एक आदमी से तो क्या, मैं पूरे गांव से लड़ सकता था। उस किस्से के बाद किसानों के समाज ने एक निर्णय लिया कि फसल सीधी किसानों से खरीदी जाएगी और उन्हें उनका पूरा दाम दिया जाएगा। रुको। आप यहां पर लिख दीजिए। Oh,
का हुआ 1300। ये पैसा लौट जाओ। क्या हो रहा है? अच्छी है। हाँ रुको रुको। अरे बाप रे। आर्मी वाले यहाँ पर क्यों आए हैं? मुझे क्या पता भैया। एलेक्स भैया आर्मी वाले आए हैं। आर्मी? हाँ भैया। भैया हम ना चीनी है ना पाकिस्तानी, फिर ये चलो देखते हैं। एलेक्स जी कहिए। हाँ मैं वर्गीस हूँ, इंजीनियर रेजिमेंट फ्रॉम मद्रास। हम पुल बांधने आए हैं। यहाँ? अब यहाँ नहीं, आरकुले में, बेली पुल। हाँ मैंने पेपर में पढ़ा था, वो पिछले लैंडस्लाइड की वजह से बह गया था ना। राइट। लेकिन आप यहाँ कैसे? बात यह है कि मैं एक प्रपोजल लेकर आया हूँ। मुझे लगा आप जंग लड़ने आए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मैं समझ गया, वरप्पन है ना। हाँ। मैंने इस बारे में अब्दुल से बात की। हाँ। आप बैठिए ना। दो मिनट। यस सर। मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। अच्छा अच्छा। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। बैठिए। थैंक यू। मैंने कतरीना को पास वाले चर्च के फेस्टिवल में देखा था पिछले साल। ओ, अच्छा। मुझे वो पसंद आई। आ, अगर मैं उसे पसंद नहीं आया तो आप मुझे बता दीजिए, अब्दुल के पास मेरा नंबर है। अरे कतरीना 5-6 कप चाय ले आओ। चाय के लिए वक्त नहीं। अरे है। आप ऐसे कैसे जा सकते, लड़की को भी लड़के को देखना चाहिए। आ, वो तो है। आ जाओ आ जाओ। देख लो। फसल अच्छी है और मार्केट भी, तेरी शादी करवाने के लिए दिक्कत नहीं हो। मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे आपके साथ ही रहना है भैया। बुढ़ापे तक कुंवारी रहने का इरादा है क्या तुम्हारा? पहले तुम शादी कर लो फिर मेरी सोच। लड़की कौन देगा? पार्टी और झंडा लेकर घूमता रहता हूँ। जरा मेरी तरफ देखो। क्या? मुस्कुराहट तो देखो, मुझे एनी के बारे में सब पता है। कौन एनी? ओह अब एनी को जानते ही नहीं, मैं देख रही हूँ तुम्हारी मुस्कुराहट। अगर यही बात है तो कर लो ना शादी, देर किस बात की है भैया। अरे उसके भाइयों को मंजूर होना चाहिए वो ना। उनकी प्यारी बहन है, अगर उसने एक बार कहा तो आपकी शादी पक्की। कोई जरूरत नहीं, पहले तुम शादी कर लो उसके बाद मैं अपनी सोचूंगा। नहीं बिल्कुल नहीं भैया, कल उसके भाई से मिलो और इस बारे में बात करो, फिर घर वापस आना ठीक है? ये बताओ खाना कैसा लगा? बहुत बढ़िया। खिचड़ी और मीट लाजवाब है। तुमने बनाया क्या? ये उसकी माँ का तोहफा है। सच में? ऐसा करें एलेक्स की उससे शादी कर दे, फिर ऐसा खाना हमें रोज रोज मिलेगा, क्या कहते हो? एलेक्स को कहने दो, अगर एनी को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। नहीं मुझे नहीं पसंद। अरे मैं सच कह रहा हूँ। मैं भी सच कह रही हूँ। शायद वो मजाक कर रही थी, तुम्हारा क्या कहना है? शादी के मामले में कोई मजाक कर सकता है? एलेक्स एलेक्स मुझे पता है कि तुम दोनों करीब हो, तो तुमने उन्हें ठुकराया क्यों? मेरा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है। एनी
एनी, 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 मौत यही कारण है, और ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। प्रभु यीशु ने कहा है कि हर मनुष्य को सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए। असत्य का रास्ता आसान होता है, लेकिन उसका परिणाम बहुत ही बुरा होता है। आमीन। वो उधर से भाग रहा है। चलो, मुझे छोड़ना नहीं। जल्दी, जल्दी, जल्दी। चलो, चलो जल्दी। करने के लिए कोई ऐसे पीछे पड़ता है क्या? कहाँ भागेगा? तुम लोग मुझे पकड़ नहीं पाओगे। रुक जा। तू बच्चे का नहीं आज कहता हूँ। रुक जा। अरे कहाँ कहाँ भाग गया वो? पता नहीं, पुलिस और आर्मी उसके पीछे पड़े। पुलिस और आर्मी यहाँ क्या कर रही? अरे एलेक्स, तुम्हें नहीं पता? ये कैसे पता होगा? वो साल में एक बार आता है यहाँ छुट्टियों में। मैं तुम्हें बताता हूँ, वो वर्गीस है ना, एक नंबर का फ्रॉड है। शराब, गांजा, लड़कियां, यहाँ चर्चेस ले कम बता रहा हूँ। उस दिन मेरा पैर, एक आर्मी के मेजर को मारा उसने, उसका कोर्ट मार्शल हुआ, इसलिए अरेस्ट करने आए। कोर्ट मार्शल? वो क्यों? तुम्हें नहीं पता, पुलिस वालों की तरह आर्मी का भी एक कानून और कोर्ट होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारी मार थोड़ी हल्की होती है, उनकी सजा सख्त होती है। अगर उन्होंने अरेस्ट कर लिया तो अब हम क्या करें एलेक्स? क्या करें, उस कमीने की वजह से मेरे बच्चों की रस्म नहीं हो पाई। फिक्र मत करो, मैं जाकर बात करता हूं। कैथरीना, अरे ओ कैथरीना, सो गई क्या? कैथरीना, वो घर नहीं लौटी क्या? कैथरीना, कैथरी, अरे कैथरीना, तुम्हारा फौजी लौटा है। थैंक्स आले साहब। किस लिए? ये थप्पड़ मुझे पहले ही मिल जाना चाहिए था। देख, कह देता हूँ, मुझे उल्लू बनाने की कोशिश मत कर। मैं अपने दिल से कह रहा हूँ, मुझे पता है
मलयातुर के चर्च में जब क्रॉस चढ़ाया था तब मैं पैदा हुआ था। वो मैं अभी समझ गया, इसीलिए तुम हमें सूली पर चढ़ा रहे हो क्या? सबके प्यार दुलार ने मुझे बिगाड़ के रख दिया था। मुझे कभी भी दुख का पता ही नहीं चला मेरी जिंदगी में। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें जिंदगी में दुख ही दुख दिया है, मुझे माफ कर देना। मुझे पता है साले साहब अकेले हैं जो हम सबका अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं। आपको लगता है कि ये सब मैंने किया है? ये तो मुझसे पूछ रहे हो? पूछना पड़ेगा, मुझे पूछना पड़ेगा। आपने मुझे डांटा होता, सच में सच गलत का पता ही नहीं, मुझे किसी ने सुधारा ही नहीं। कम से कम आप मुझे सुधारिए साले साहब, सुधार दीजिए। इन्हें मुझे मारे हो कहो ना, मारिए ना साले साहब। आर्मी वाले आ गए। जैन सर प्लीज मुझे आप उनके हवाले मत कीजिए, वो मेरा कोर्ट मार्शल करके मुझे जेल में भेज देंगे, मुझे बचा लीजिए आप लोग। मैंने कहा था तुम मार से सुधर जाओगे, थोड़ी पिटाई हो जाएगी तो तुम सुधर जाओगे। प्लीज साले साहब मैं कहीं और चला जाऊंगा। कहाँ जाओगे? कनाडा। कनाडा भूल जाओ, वो तुम्हें कल्लो पारा पार नहीं करने देंगे। क्या मैं अपनी बेटी को देख सकता हूँ? वो सो गई है। ए, तू घर से बाहर आएगा या हम अंदर आए? हमें पता था तू यहीं पर मिलेगा। साले साहब मुझे वो तुम्हें सुधारने आए भाई, मुझे बचा लीजिए। आराम से चल। साले साहब, साले साहब, चुप। ले चलो इसे। फिकर मत कर, ये बस एक या दो साल के लिए हो, उसके बाद वो उसे छोड़ देंगे। उसकी सजा पूरी हो जाने दो, कनाडा या अमेरिका जहां जाना होगा मैं उसे भेज दूंगा। अच्छा होगा, सुधर जाएगा। कतरीना देखो कौन आया है। नौकरी खो दी तुमने तो ये यूनिफॉर्म पहन के क्यों आए? अभी भी मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई है इसलिए मैंने इसे नहीं उतारा। चाय। अंदर आ जाओ, आओ अंदर, लो पियो, जंग की थकावट उतर जाएगी। मीठा नहीं है, दूध होता तो अच्छा होता। मीठा नहीं, दूध हो तो ले। अब आगे क्या सोचा है? अभी तक तो कुछ नहीं सोचा। चाय पीना है और जीना है ना? जीना है। बारपन को कनाडा भेजने के लिए घर और जायदाद क्यों गिरवी रख रहे हो? कैथरीना के पास भी जमीन है ना, वो गिरवी नहीं रख सकते हो? कतरीना ऐसा नहीं करना चाहती। तुम्हें तो बताया वरप्पन कैसा है, अगर उसने लोन नहीं भरा तो मेरी बहन और उसका बच्चा रोड पर आ जाएंगे। तुम्हारी बीवी बच्चे भी हैं। देखो गुस्सा मत करो, मैं सिर्फ सच कह रही हूँ। ये पैसे संभाल कर ले जाओ, और ये पासबुक है। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा साले साहब। तुम अगर भूल भी जाओगे तो कोई बात नहीं, पर किस्त के पैसे मत भूलना। खुश रहो और अच्छी जिंदगी जियो। मैंने अपना काम कर दिया। जी। वर्गीस कहीं भी नहीं गया, उसने सुदर्शन के साथ हाथ मिला लिया और सारे पैसे बर्बाद कर दिए। खाली हो गई, थोड़ा मिलेगा क्या? ए, थोड़ा सा देना, थोड़ा सा। इसमें डाल, इसमें आराम से, आराम से। गिराना मत। भर रहा हूँ। भाई है तू मेरा। पियो मुझे से। ए, गिरो। ए, आराम से। हाँ। ए, तुम लोग क्या देख रहे हो? मटन अच्छे से पकाना है। इस साल का हमारे समाज का मुनाफा है
तकरीबन 213,814। हाँ, 213,814। ये रकम इस्तेमाल की जाएगी कमेटी की ऑफिस बिल्डिंग के फाउंडेशन और जमीन बनाने में। ये निर्णय कमेटी की तरफ से लिया गया। सुनो एलेक्स। बोलो चंद्ररेखा। हमारे समाज के फंड से मुझे कुछ पैसे उधार दो और मेरी मदद करो। मुझे मेरे बेटे के कॉलेज एडमिशन के लिए चाहिए। 1,00,000 काफी है। सिक्योरिटी के तौर पर मैं अपनी जमीन गिरवी रखता हूँ। क्या है कि हमारी निजी जरूरतों के लिए समाज का पैसा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ये नियम है। तुम्हारा ये बकवास सा नियम। तो आखिर ये कमेटी बनाई है क्यों तुमने? तुम्हें और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है? अरे रुक जाओ चंद्ररेखा, बैठने के लिए बाद में आऊंगा, जरूरत पे काम ही नहीं आना। क्या आदमी है वो नहीं मानेगा। समाज का पैसा सिर्फ समाज के लिए होना चाहिए। माँ कहाँ है बेटा? उधर है। हाँ मैं यहाँ हूँ। ये क्या? मैनेजर मुझे चौराहे पर मिले थे, उन्होंने कहा और समय नहीं दे सकते। चाय पियोगे? माँ घर का दूसरा शब्द कौन सा है? अगर घर होगा तो दूसरा शब्द होगा ना। किसानों के समाज में पैसे अभी भी मौजूद है, तुम चाहो तो हम गुजारा कर सकते हैं। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या मैं लोगों से अलग हूँ? मेरे लिए अलग नियम है। सिर्फ पार्टी का ही नहीं, घर के भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है। बेचने के लिए वो गाड़ी ही एक चीज बच गई थी क्या? अगर बेच भी दिया तो कबाड़ी का भाव मिलेगा। अरे शांत हो जाओ एनी, रास्ता निकल आएगा। कौन सा उपाय? वो छोटा रकम नहीं है, लाखों का है। ये जेवर गिरवी रखो, 50,000 ले आओ बैंक में देकर, और उनसे 1 महीने का वक्त मांग लो। देखो फिक्र मत करो, अपने जीजा और बहन की मदद के अलावा कभी खुद के बारे में भी सोचो। हेलो, एलेक्स बोल रहे हो? हाँ, फॉरेस्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। क्या हुआ सर? मैं जल्दी आना होगा। बात क्या है? आने के बाद बताऊंगा। 50,000 है ना? ओके। फॉरेस्ट ऑफिस में बुलाया है। क्यों बुलाया है? पता नहीं किस लिए। क्या हुआ सर, आपने बुलाया मुझे? सुरेश सर, उन्हें ले आओ। ओके सर। अरे अरे बाप रे, ये मैं क्या देख रहा हूँ, क्या हुआ? अपनी भावनाओं को रोक लो, तुम्हें पता है तुम्हारे जीजा और तुम्हारी बहन ने क्या किया है? रोक रोक रुक जा। अरे रोक, किधर जा रहा है? हम आदिवरम गए थे एक शादी में फैमिली के साथ। क्या हुआ सर? कुछ दिनों से तू इसी जगह में घूम रहा है। मैं नहीं तो वो सर क्या है? इसमें क्या है? ए, गाड़ी निकाल जल्दी जल्दी कर, चलो चलो जल्दी। क्या हुआ? तेज चलाओ, तेज जल्दी करो, तेज चलाओ, जाने ना पाए। जल्दी रोको रोको, पकड़ो उसे, पकड़ो, चल आओ और पकड़ो उसे। तुम लोग भी बिठाओ इसे गाड़ी में। ए इसे खोल, इन्हें दिखा क्या है। इसे लाओ। 1.5 किलो गांजा, 3 किलो हिरन का मांस। जानते हो कौन सी धारा लगेगी इन पे? एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 51 शेड्यूल 3, 7 साल की जेल। और इसके लिए सेक्शन 20B1 10 साल। फैमिली पैकेज है, पूरे 17 साल परिवार के साथ रह सकता है। अरे बाप रे, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, ये तो मुझे अपने दोस्त की शादी में अपने साथ ले गए। सुनिए ना साहब, इस निर्दोष को छोड़ दीजिए, उसके साथ जो करना है कीजिए, ऐसे घूर क्या रहा है? इन्हें छुड़ाने के लिए ही आपको बुलाया है। मैं सबको छोड़ सकता हूँ। आपका शुक्रिया, पर थोड़ा खर्चा होगा। ठीक है सर,
सिर्फ 5 लाख। हम ये जला देंगे, आप इसे घर पे पका के खा लेना, क्या कहते हो? सर आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, मेरी बहन और उसकी बच्ची रोड पर आ जाएंगे, आप कहें तो मैं आपके पैर पड़ सकता हूँ। पैसे दे दो फिर पैर पकड़ लेना, क्या कहते हो? साहब जी 5 लाख की ये रकम हमारे लिए बहुत बड़ी है, कुछ कम कर दीजिए ना। अब्दुल ये तुम क्या कह रहे हो, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? तुम चुप रहो, बोलिए सर। तो एक काम करो, 2.5 लाख, उससे कम नहीं, अब इस मामले में कोई बात नहीं होगी। ठीक है, आओ, आओ, मेरे साथ आओ। अब सुनो, समाज का पैसा हमारे पास है, जेवर गिरवी रखकर जो पैसा मिला वो भी है, ले जाओ और उसे दे दो, सोचो मत, उन्हें बचाना जरूरी है, जाओ लेकर आओ। लाद दे दो। ये लीजिए सर, आपने जितने कहे थे उतने हैं। चलो निकलो अब। चलो बेटा। ओ इसे भी ले जाओ, मसाला डालकर अच्छे से पकाना, इसका स्वाद अच्छा होता है। साथे, मुझे बर्बाद करने की ठान लिए तूने? जो पैसे लोगों ने खेतों में मेहनत करके कमाए वही मुझे पुलिस वाले को देने पड़े, क्योंकि मुझे इनकी चिंता है, तू कभी नहीं सुधरेगा। बहुत बड़ा कम्युनिस्ट है। गलत क्या है कम्युनिस्ट होने में? अगर इतने ही आदर्शवादी हो तो यहाँ रिश्वत क्यों दी है? रुको, तुम चलो मेरे साथ, वो कभी नहीं सुधरने वाला। चलो आओ मेरे साथ आओ। जोश मसल में ये इंसान है ही नहीं। आओ बेटी चलो बैठो। तूने कहा था ना धोखेबाज, अरे ये क्या क्या कहा था तूने? उस दिन तुम्हारे नियम के बारे में बात की थी है ना? मैं कहता हूँ यहाँ से चले जाओ। ये पार्टी ऑफिस क्या तेरे बाप की जागीर है? जाओ यहाँ से। मेरे बेटे के लिए कर्ज मांगा तो दिया नहीं, ऐसी पार्टी किस काम की? बकवास मत करो, जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। रुको, जब मैंने तुम्हें मेरे बेटे के कॉलेज एडमिशन के लिए पैसे मांगे तो तूने साफ इनकार कर दिया। कहाँ गया तेरा नियम? जब तेरा जीजा पकड़ा गया तो तूने समाज के पैसों का इस्तेमाल किया। ऐसे घूर मत, तेरे जीजा ने खुद मुझे ये बताया है, बड़ा आया कॉमरेड लोगों को धोखा देने के लिए। थू, निकल जा यहाँ से। ऐसे लोग देश का उद्धार करें। तुम नहीं आओगे? नहीं। एलेक्स, कर्जा भर दिया? हाँ भर दिया। तुमने कहाँ भरा, बैंक में या फॉरेस्ट ऑफिस में? अब झूठ बोलना भी सीख गया। तो क्या करूं यार, मेरी बहन है वो। हमेशा तुम अपनी बहन और उसके परिवार के बारे में ही सोचते रहते हो, तुम्हें अपनी बहन की फिक्र होती है। मदद करो, मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका, पर ये प्यार नहीं तुम्हारा पागलपन है। दुख और दर्द सिर्फ तुम्हारी बहन को नहीं होती है, दूसरों को भी होती है। अब वो खतरे में तो मैं क्या करूं मुझे बताओ। कैसा खतरा? क्या उनका कोई एक्सीडेंट हुआ है या किसी बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में है? वो इंसान परिवार को साथ में रखकर गांजा ले जा रहा था, लेकिन तुम्हें सिर्फ उसी परिवार की फिक्र होती है, अपने परिवार की नहीं। कभी मेरे बारे में भी सोच लेते। ये सब बात करने का क्या फायदा है? ठीक है मैंने गलती की। नहीं मैंने गलती कर दी, मेरे बीमारी के बारे में पता होते हुए भी तुमने मुझे नई जिंदगी दी और मैं तुमसे प्यार करने लगी। तुमने जो कहा मैंने सब किया, पर अब मैं समझ गई, तुमने प्यार पाने के लिए मुझसे शादी नहीं की। यानी बकवास मत करो, शब्द को वापस नहीं लिया जा सकता। मैं क्या गलत बोल रही हूँ? तुमने मेरी बीमारी का फायदा उठाया है, मेरा पारिवारिक जीवन और मेरा बच्चा तुम्हारी अच्छाई की वजह से है। तुम्हें जैसा जीना है जी सकते हो, तुम्हें पता था कि मैं एक गुलाम की जिंदगी जीऊंगी, तुम चाहे जो भी करो। इसलिए तुमने अपनी पूरी जायदाद अपनी बहन को दे दी ना, तुमने बैंक में सब कुछ गिरवी रख दी उस जीजा को बचाने के लिए। जब भी कोई मदद मांगने आता है तुम अपना सब कुछ दे देते हो, जो भी तुम्हारे पास था। तुमने अपनी बीवी और बच्चे को क्या दिया बताओ? सिर्फ ये मंगलसूत्र बचा है, तुम्हें ये भी चाहिए क्या? तो ले जाओ,
कॉमरेड बनने के अलावा क्या तुमने ये पता लगाने की कोशिश की कि मेरे पास पहनने के लिए या बदलने के लिए कपड़े हैं या नहीं? और तुम्हारे बेटे का स्कूल फीस भी हमें भरना है। इतनी शांत हो जाओ, मुझे थोड़ा समय दे दो, सब ठीक कर दूंगा मैं। वक्त चाहिए? 8-10 साल क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं थे? अब सब खत्म हो गया है। कुछ दिनों में हम रोड पर जाकर भीख मांगेंगे, देखना तुम। अब तुम बस भी करोगी? अगर बहन ही प्यारी थी तो तुमने मुझसे क्यों शादी की? उसी के साथ जिंदगी बिता लेते। हिम्मत कैसे हुई? बकवास करती है। मैंने अपने आप को रोक कर रखा, मतलब मेरी चुप्पी का नाजायज फायदा उठा रही है, बेवकूफ कहीं की। क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे बोल तो क्या हुआ? क्या हुआ? अरे लिसे, ऐनी मुसीबत में है, जल्दी आओ। उधर? किधर बेटा? किधर? घर पे। चलो जल्दी। अपने कान क्यों बंद कर लिए? जब मेरे बेटे ने कहा कि मेरे पापा ने मेरी मां को मार दिया तो मेरा दिल टूट गया। उसके साथ मेरे सारे रिश्ते भी टूट गए। मेरी आनी के जाने के बाद सब कुछ खत्म हो गया, सारे के सारे रिश्ते टूट गए। कहते हैं कि रिश्ते हमें जोड़ कर रखते हैं, रिश्तों का बंधन ना हो वही अच्छा है। यह अब महसूस हो रहा है, इसीलिए मैं इस काल कोठरी में अकेला खुश हूं। एलेक्स, सर मैं एलेक्स के लिए एक अच्छी खबर लाया हूं। वो क्या है सर? एलेक्स तुम्हें बेल मिल गई है, लगता है ऊपर तक तुम्हारी पहचान है। अरे कोई पहचान वहचान नहीं, आप सच कह रहे हैं ना? ऑर्डर आ गया है, कल तुम जा सकते हो। अरे कृष्ण नायर, मुझे बेल मिल गई है। एलेक्स, जेल में गणपति जी की मूर्ति है, वहाँ नारियल चढ़ाना, मैंने मन्नत मानी थी। जरूर मैं चढ़ा दूंगा। अरे अरविंद, मुझे बेल मिल गया है। मोनिस, अरे कोटाराम, ए हनी, मुझे पैरोल मिल गया है। अच्छी बात है सर, ये सच है ना? आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं बहुत खुश हूं। एलेक्स के पुलिस रिपोर्ट में उसके बारे में अच्छा लिखा था, ये अच्छा हुआ। एलेक्स पर विश्वास और उसका अच्छा बर्ताव और हमारे सपोर्ट की वजह से भी हुआ है। राइट। हाँ विनोद, मैंने सारे फाइल्स पर दस्तखत कर दिए हैं, सारे काम जल्द से कर दो और उसे छोड़ दो। मैंने उसकी वेतन का हिसाब अकाउंट में भेज दिया है, उसे जल्द से अप्रूव करवा लो और अकाउंट में ट्रांसफर करवा लो। ओके सर। एलेक्स, क्या बात है, आज तुम बेल पर बाहर जा रहे हो, है ना? हाँ बिल्कुल। अरे गिरी, इनका सामान इन्हें दे दो,
C101। हाँ ठीक है, हाँ यहाँ पर साइन कर दो। एलेक्स जल्दी वापस मत आना, पुलिस वाले ढूंढेंगे नहीं क्या? उसके लिए एक आइडिया है, घर पहुंचकर जेलर को फोन करना और बोलना कि मैंने राजीनामा दे दिया। बहुत सारे लोग ऐसे करते रहते हैं। तुम कब से यहाँ पर हो और वैसे भी किसके लिए इतने पैसे बचा रहे हो तुम? सर लगता है ये कभी नहीं सुधरेगा। लेकिन इसे लगता है कि ये सुधर गया, लेकिन अभी भी ये वैसा ही है, सुधरने की कोशिश ही नहीं करता है। सही कहा ना? मुझे ही नहीं आपको भी। जब मैं वापस आऊं तो तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? मुझे एक अच्छा वाला मोबाइल ला कर देना। मैंने तुमसे पूछकर गलती। अरे इससे बात ना करके समय बर्बाद मत करो, तुम जल्दी जाओ। चलो भाई नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। दो मुझे। अच्छा आदमी है, पैरोल पर छूट रहा है। मैं भी बहुत खुश था जब पहली बार पैरोल पे बाहर निकला, पर उन्हें मुझे वापस बुलाने के लिए आर्मी भेजनी पड़ी। व्हाट फैंटास्टिक मेमोरीज। तुम वापस लौट कर आना, ठीक है? हाँ जरूर। जब तुम्हारे पास समय हो तो मेरी बेटी से जाकर मिल लेना। हाँ जरूर जाऊंगा, मैं तुम्हारे घर भी जाऊंगा, मुझे इसके माता पिता से भी मिलना है और साथ ही साथ उस लड़की से भी जो इसका इंतजार कर रही है। एलेक्स, मेरा तो कोई नहीं है, एक बार एक आदमी मुझसे मिलने आया था जेल में, दूसरा कोई नहीं। जब कोई यहाँ से जाता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, मैं इसमें ही खुश हूँ। ठीक है भाई। चलता हूँ। सर, एलेक्स जी, तुम्हारे बेल की खुशी पूरे जेल में मनाई जा रही है। यह पहला मौका है कि नाच गाने के साथ किसी की बेल हो रही है। तुम खुश हो ना? बहुत। आपने जो मेरे लिए किया उसका मैं किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं? देखो, जेल के भरोसेमंद कैदियों के साथ हम ऑफिसर्स अच्छा बर्ताव करते हैं। ओ, अब तुम जा सकते हो। ठीक है सर, चलता हूं। ठीक है सर। नमस्कार। ये लो, साइन करो। बाहर जरा आराम से जाना, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? अच्छा सर, थैंक यू। एलेक्स, तुम्हें बताने की जरूरत तो नहीं है। जी सर, जी पर सर। इतना कहता हूँ कि समय पर लौट आना। बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ। नारायण सर, कहता हूँ। हाँ, उनसे बात कर लो। हाँ जी सर, ठीक है। एलेक्स, बड़े साहब ने बुलाया है, जल्दी जाओ। सर, सब कुछ रेडी हो गया और मैं जेल से बाहर कदम रख रहा था और आपने बुलाया। एलेक्स, मैंने तुम्हें बुलाया। सर आप बोलिए ना सर, मैं तभी जाऊंगा जब सारा काम खत्म हो जाएगा। आपके जूते पॉलिश करने हो या शर्ट को इस्त्री करना हो, फाइल ठीक करनी हो, क्वार्टर में कोई काम है क्या सर? बात वो नहीं है एलेक्स। तो फिर क्या है सर? तुम्हारा बिल कैंसिल करने के लिए ऊपर से मुझे ऑर्डर आया है, इसलिए तुम अभी जा नहीं सकते हो। कानून के आगे मैं मजबूर हूं। कभी कभी बेल को यूं ही रद्द किया जाता है, क्योंकि जिस इंसान को बेल दिया जा रहा है, अगर उसकी जान को खतरा हो या फिर वो इंसान किसी और के जान के लिए खतरा हो, तो ऐसे मामले में बेल कैंसिल हो सकता है। और ये बेल तुम्हारे बेटे ने कैंसिल करवाया है। सर क्या कह रहे हैं? कहीं किसी ने उसके गलत दस्तखत करके ऐसा तो नहीं किया? ऐसा हो सकता है ना सर? पुलिस वाले तो बिल्कुल गलत नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर मैं अपने सेल में जाता हूं, मुझे ये कपड़े वापस देने होंगे। उसने किया होगा ये। सर बहुत बुरा हुआ, मैंने अपनी सर्विस में इतनी बड़ी दुखद घटना नहीं सुनी। क्या सर इसका बेटा इतना नालायक है? शायद। जब रिपोर्ट आई है कि वो उसके बेटे के लिए खतरा है, तो हम क्या कर सकते हैं?
क्यों एलेक्स, तुम पैरोल से इतनी जल्दी वापस आ गए? कितनी डिंगे मार रहे थे, नाच गाना पार्टी है ना भाई? बीड़ी बीड़ी लाए हो क्या? अरे लाए हो तो मुझे दो ना एक। तुम लोग क्या देख रहे हो? मैं रिक्वेस्ट भेजी तुमने? हाँ सर। फॉर्मेलिटीज जल्दी खत्म करो, देर मत करना। ओके सर। हाँ हाँ एलेक्स, पर आपने मुझे बुलाया? हाँ, ये अब्दुल कौन है? वो मेरे गांव का दोस्त है सर। लेकिन क्यों? उसने यहाँ एक संदेश भेजा है, मैंने पूछताछ की है और कुछ समय पहले मैंने कंफर्म किया है। एलेक्स चिंता मत करो, तुम्हारी बहन कैथरीना आज सुबह गुजर गई। क्या? अब्दुल ने कहा कि क्रियाक्रम आज ही होगा। स्कॉट परोल के लिए एक एप्लीकेशन लिखो, फिर तुम जाके अपनी बहन को देखना। हेलो। हाँ सर। ओके सर। ओके ठीक है सर। वो क्या है कि स्कॉट ड्यूटी से मुझे लगता नहीं कल कैंप से कोई आ पाएगा, क्योंकि कल वो प्रेसिडेंट आने वाले हैं ना, इसलिए वहां सब व्यस्त हैं। एलेक्स, अब हमें स्कॉट परोल कैंसिल करना होगा। यानी मैं अपनी कैथरीना को देख नहीं सकता, है ना? आप मुझे उसके पास भी नहीं ले जा सकते हैं। मुझे उसके कफन पर मुट्ठी भर मिट्टी डालने की भी इजाजत नहीं। कैसे हो? क्या हाल है? ठीक हूँ। अभी भी तुम पहले जैसे ही हो। आप कौन है? मैंने नहीं पहचाना। डॉक्टर, इसके डोज को थोड़ा कम कर दो। ठीक है सर। कैसे हो एलेक्स? सर, मेरी बहन। पता चला कैदियों की चिंता हमें भी होती है कुछ हद तक। ये यूनिफॉर्म पहनकर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। एलेक्स, तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। सर, एलेक्स का नाम दोबारा पैरोल बोर्ड में लिखते हैं क्या? एडवाइजरी बोर्ड पास करेगी, देखते हैं। देखते हैं। पास होगा ना सर? पिछली बार पास नहीं हुआ था। पास होगा, जरूर होगा। इसकी पिछली रिपोर्ट को दोबारा मंगवाओ। यस सर। एलेक्स से एक और एप्लीकेशन ले लो। श्योर सर। सब ठीक होगा एलेक्स। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, रिपोर्ट आ गई है। हाँ हाँ, एलेक्स की पुलिस रिपोर्ट तो अच्छी है।
एलेक्स, तुम्हें अलविदा कहने की जरूरत नहीं, जाओ। चार लोगों की कोर्ट में पेशी है, पांच लोगों का मेडिकल कॉलेज में चेकअप है। ठीक है। अरे भाई, दस लोगों को गिनती से हटा दो। अच्छा ठीक है, हटा दूंगा। चलो चलता हूँ सर। सर आओ। एलेक्स जी, यहाँ साइन करो। हाँ, तो अब जा रहे हो, इस बार कोई नाच गाना नहीं? नहीं सर। एलेक्स जी, वापस आने की डेट मत भूला, अगले महीने की 10 तारीख 5 बजे से पहले। और हाँ, किसी लफड़े में मत पड़ना। जी चलता हूँ। ठीक है। सर मैं अलग पैरोल पर आया हूँ, यहाँ दस्तखत करने। ओह, वो पुरानी घाटी वाला केस। अंदर जाओ और एसआई साहब से मिलो, फिर दस्तखत करना। जी हाँ, समझ गया, बाद में करता हूँ। एलेक्स आजी, जेल में जो तुम्हारा बर्ताव था वो यहाँ भी दिखना चाहिए। जी, तुम्हारे पास 15 दिन है, समझ गए ना? पता है सर। केस से जुड़े किसी भी इंसान को तुम परेशान नहीं करोगे। जी, साइन करके निकलो। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम आने वाले हो? बस तुम्हें चौंकाना था। हसीना हाँ। बाहर आकर देखो कौन आया है। आ जा। आ रही हूँ अभी। आ जा, अंदर आ। हाँ। पहचाना इन्हें कौन है? नहीं तो। ये हमारे एलेक्स हैं। ये हमेशा आपके बारे में बातें करते हैं, आइए ना बैठिए। ये बैठो, आप दोनों बातें कीजिए, मैं चाय लाती हूँ। ये मेरे दूर के रिश्तेदार है, रिश्तेदारों ने मिलकर ही शादी तय की और मैंने कर ली। आओ बेटे आओ। इसे पहचाना आपने? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल कतरीना बन गई है। तुम कौन से क्लास में हो? 11वीं में। क्या बात। कतरीना के मरने के बाद वर्गीस बहुत पीने लगा, दिन रात बस शराब पीता रहता, तबाह कर दिया पूरा घर, बच्ची के रहने लायक ही नहीं रहा। इसीलिए मैं ले आया, इसकी परवरिश के लिए यहाँ आना जरूरी था। ये भी हमारे साथ बहुत खुश है। कतरीना उसके कर्मों की चिंता करते हुए शायद मर गई। क्या वो यहाँ आता है? हाँ कभी कभी आता है इससे मिलने के लिए। चाय। तू अंदर आ। ये सब इसी ने सजाया है, इसके साथ हम भी क्रिसमस मनाते हैं। लो आ गए दोनों। भैया अच्छा हुआ आप आ गए, हमें पता चला आप आ गए तो हम मिलने आ गए। मेरे पैर में चोट लगने के बाद से सारा धंधा इन लोगों ने संभाल रखा है। आपका पैर अब कैसा है? चलता हूँ तो दर्द होता है। वैसे मैं अब चलना चाहूंगा, मुझे नहाना है, फिर जाकर अपने बेटे से भी तो मिलना है, 15 दिन है मेरे पास। कहाँ जाओगे, अब यहीं रहो सुकून से। इस मौके पर हमें एक पार्टी करनी चाहिए। ये लोग बस पीने के बहाने ढूंढते रहते हैं और कुछ नहीं। तो फिर मैं ब्रांडी लेके आता हूँ। भाई 8 साल हो गए मुझे ऐसे बिना छत के आसमान और तारों को देखे हुए, क्या बात।
सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम लोगों को दोबारा देख पाऊंगा। वो सब भूल जाइए भैया, ये लीजिए पीजिए। नहीं भाई, मुझे अपने बेटे से मिलना है। अगर मैं वहाँ पीकर गया तो वो मुझसे पूछेगा कि पापा क्या मैंने आपको इसी दिन के लिए बाहर निकाला था। तो ऐसा बोलो ये उससे मिलने की खुशी में लो। नहीं नहीं, अरे पियो ना। ना अरे पी लो। नहीं, नहीं। थोड़ा सा पी लो। देखा नहीं अब्दुल भाई मना कर रहे हैं। अगर वो जेल से बाहर करते हैं तो करने दो। ठीक है, लाओ मुझे। हाँ ये लो। यूं क्या? मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ। इस वक्त? वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। वो पूछेगा इतनी पीकर क्यों आए हो, तो क्या जवाब दोगे उसे? मैं उसको इस बारे में बता दूंगा कि उसके पिता ने उससे मिलने की खुशी में पी है। वो समझ जाएगा। अगर कोई मेरे साथ चलना चाहता है तो चल सकता है। वहां पर तो बहुत से लोग हैं एलेक्स। हाँ सुनो एलेक्स। एलेक्स क्या? एलेक्स अभी वहां जाना ठीक नहीं रहेगा, रुक जाओ, मत जाओ। मैं जाऊंगा, तुझे क्या है? ऐसी हालत में उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं होगा, चलो वापस चलते हैं। गाड़ी में बैठो, वापस चलते हैं। आ जाओ, अब ज्यादा सोचो मत। सुनो, एलेक्स आया है। कहां पर है? वो सामने, वो देखो ना। चलो जरा इसे संभालो। हाँ चलो। कहां है वो? देखो ना। कहां देखा? उधर देखा था। उसम, उधर। यहीं पर देखा था मैंने। सच में देखा? हाँ। तो फिर कहाँ गया? अब मुझे क्या पता कहाँ गया। ए, चलो अभी चलते हैं। लेकिन वो गया, बाद में देख लेंगे। इस लाल झंडे को मरते दम तक हम नीचे नहीं गिरने देंगे, नहीं गिरने देंगे, बिल्कुल नहीं, मरते दम तक इस लाल झंडे को नीचे नहीं गिरने, बिल्कुल नहीं गिरने देंगे। मेरे पिता पुल्लन कुनेल फिलिपोस ने नारा लगाया, मैंने इसे इतनी बार दोहराया है, मरते दम तक इस लाल झंडे को गिरने नहीं देंगे, इसकी शान को हमेशा सलामत रखेंगे। मेरे पिता चले गए, मेरी कतरीना चली गई, मेरी एनी चली, मेरे करीबी लोगों ने भी मुझे ठुकरा दिया। कॉमरेड एलेक्स कैदी बन गया, और इसके बावजूद मैं चिल्लाऊंगा इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। एक लकीर खींचूंगा तो खत्म हो जाए। इतने सालों के इंतजार के बाद बदला लेने आया है। हट।
15 दिन के लिए परोल पर बाहर आया हूँ अपने बेटे से मिलने। अगर मेरे रास्ते में आए तो भूल जाऊंगा तुम दोनों एनी के भाई। चक्कू से शेर का शिकार। मैंने तुझे पहले ही वार्निंग दी थी या नहीं दी थी? जेलर की सिफारिश की वजह से मैं तुझे छोड़ रहा हूं, समझा? अब अगर केस से जुड़े किसी के भी आस पास नजर आया तो देख लेना। पर मैंने कुछ नहीं किया, वो लोग ही मुझे। चुप कर, सफाई देने की जरूरत नहीं है। अगर ये हरकत दोबारा किसी के साथ हुई तो देख लेना। चल निकल निकल। तुम्हें उनसे उलझने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा था ना, किसी भी तरह वो तुम्हें फंसाने की कोशिश करेंगे। आखिर तुम चाहते क्या हो ये तो बताओ। 8 साल हो गए मैंने अपने बेटे को देखा नहीं, उसने मुझे बेल पर बाहर निकाला। जब भी मैं अपने बेटे के बारे में पूछता हूँ तो तुम लोग इधर उधर की बातें करके टाल देते हो। मुझे पता है मुझे क्या करना है। एलेक्स रुको, मेरी बात सुनो। एलेक्स, प्रिंसिपल का रूम कहाँ है? उस तरफ है। कम इन। क्या है? अपने बेटे से मिलना है। उसका नाम क्या है? शाइनी, शाइनी फिलिपोस। ओह, शाइन फिलिपोस। प्रिंसिपल साहब, मैं उसकी पढ़ाई के बारे में जानने के लिए आया हूँ। वो यहाँ नहीं है, फुटबॉल टूर्नामेंट गया है, 2 दिनों के बाद आएगा। ठीक है सर। सजा कम हो गई क्या? परोल पर आया। आ जाओ। क्या हुआ, उससे मिले? नहीं। आइए खाना खा लीजिए। मुझे नहीं खाना। जब भी तुम मायूस होते हो मुझे अच्छा नहीं लगता। उसका प्रिंसिपल ने कहा वो कोई फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए गया है, मैं वहीं जाके मिलता हूँ। सुनो, अकेले मत जाना, उन्हें साथ लेकर जाओ। ठीक है। पास करो। सर, वो मेरी मार्था स्कूल के बच्चे कहाँ पर हैं? वो मैच के बाद हॉस्टल गए हैं, वो आपको वहीं मिलेंगे। ये हॉस्टल कहाँ है? यहाँ से 5 किलोमीटर दूर। हाँ, रेडी बॉयज। भैया, वो बाहर गए हैं। तुम जानते हो वो कब आएंगे? वो तो पता नहीं है, चल चलते हैं। हाँ। अच्छा। भैया, भैया, ओ भैया, अदिवरम के लिए कोई बस है क्या? लास्ट बस अभी आने वाली है। यहाँ रुकेगी? यहाँ नहीं रुकेगी, उस सर्कल के पास रुकेगी। सो रहा है। एलेक्स, हे एलेक्स, सुनो, एलेक्स रात को कब आए? मुझे जगा लिया होता, यहाँ बाहर ही सो रहा है इस तरह। फर्श पर सोने की आदत हो गई है, बहुत देर हो गई थी, सोचा तो मैं परेशान नहीं करता हूँ और यहीं सो गया। जाओ अंदर आ जाओ, बाहर ठंड है बहुत। बेटा, वहां से जरा हमारे लिए चाय बनवाओ। बोलती हूँ।
कल रात एटीएम चुराने की कोशिश की गई। ये पिछली रात कोटामम जंक्शन में हुआ था। चोर अभी तक पकड़ा नहीं गया है। यहाँ पर ये सब अब आम बात हो गई। पुलिस साइबर पुलिस की मदद से सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। सिक्योरिटी जिस पर हमला किया गया है उनकी हालत बहुत गंभीर है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि चोर को जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा। क्या हुआ, जबान को ताला लग गया? अपने पुराने पैतरे दोबारा मत खोल, पैसे तो लाने पड़ेंगे, समझा? आपको किससे मिलना है? मेरे बेटे से। रुक जा, रुक जा, रुक जा। ए, कहाँ भाग रहा है? रुक, रुक, रुक जा, भागता किधर है? रुक जा, अरे रुक जा, रुक, अरे रुक, अरे रुक, कहाँ भागता है? रुक, नहीं, रुको, 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 अरे रुक, अरे सुन, रुक, आज मत है, रुक जा, अरे कहाँ जा रहे? अरे सुन, रुक, अरे क्या लड़का है ये? छे, छे, इस बार भी भाग गया। सर क्या क्या हुआ? वो इसी स्कूल का स्टूडेंट है, गांजा चरस बेचते रहता है। उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है, वरना हम कब के उसे पुलिस के हवाले कर देते। क्या करें, उसका बाप उसकी माँ को मारकर जेल चला गया। अरे बच्चे तभी बिगड़ते हैं जब माँ बाप उनका ख्याल नहीं रखते, ये तो अनाथ है। कैसा रहा सफर, मुलाकात हुई उससे? क्या वो वही था? अब हम उस बारे में बात नहीं करते हैं, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि उससे मुलाकात मत करो। पैरोल पर आना बेकार हो जाए। भैया, भैया, अब्दुल जी टीवी ऑन करो। टीवी जरा चालू करो। हाँ। एटीएम पर हमला, सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। सिक्योरिटी गार्ड जिस पर हमला हुआ था वो मर चुका है। ये बेल पर निकला हुआ एक मुजरिम है, ऐसा पुलिस ने कहा। परोल की अर्जी देकर ये अपने बेटे से मिलने अपने घर गया था। सीसीटीवी में जिस आदमी को आप देख रहे हैं, किसी ने चोरी की और सिक्योरिटी को भी मारा है। हाँ, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये मुझे क्यों दे रहा हूँ? ये मोबाइल को संभाल कर, वापस आकर सब बता। तू बेल पर लूटने के लिए बाहर आया था, है ना? चल, मुझे पहले ही कहा था, दोबारा ऐसा हुआ तो खाल खींच लूंगा। चल गाड़ी में। सर वो हमारी गिरफ्त में, मैं उसे लेकर आ रहा हूं। इसके साथ ये क्या हो रहा है? बदनसीबी पीछा ही नहीं छोड़ रही। सर उसे ले आए क्या? वो अंदर है सर। अपने हाथ नीचे करो। एलेक्स, सीसीटीवी फुटेज तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हें कुछ कहना है? मैंने कुछ नहीं किया सर। तो किसने किया? बाइक पर दो लड़के थे। तुम्हें ये कैसे पता? मैंने खुद देखा। तुमने क्या देखा? वो लड़के सिक्योरिटी गार्ड पर हमला कर रहे थे। उस बाइक और उन दो लड़कों को तुम पहचान सकते हो? क्या हुआ, तुम झूठ बोल रहे हो ना? नहीं सर। तो फिर क्या हुआ, तुमने कहा था कि तुमने उन्हें देखा है? हाँ, एक झलक देखी थी। बस एक झलक? हाँ। क्या तुम उन्हें पहचान सकते हो? तुम्हें उन्हें पहचानना होगा। सुनो सर, उन लोगों को अंदर भेजो। हाँ, ए, अंदर आओ। क्या इसी ने तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा था?
हाँ हम उसे अस्पताल तो लेकर गए थे पर। हाँ बोलो। सर हमने इन्हें हमला करते हुए नहीं देखा पर ये वहीं थे। क्या तुम इसे पहले से जानते हो? नहीं सर पहली बार देख रहे हैं। तुम उस रास्ते से क्यों जाते हो? सर हम उस रास्ते से मंदिर इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां से 2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। ठीक है अभी तुम लोग जाओ, जरूरत पड़ेगी तो बुलाऊंगा। ठीक है सर। जाओ। स्वामी अय्यप्पा। एलेक्स तुम बेल पर निकले हुए मुजरिम हो इसलिए सीसीटीवी फुटेज में देखकर हमें तुम पर शक हुआ। उस सिक्योरिटी गार्ड की मौत को हम इतने हल्के में नहीं ले सकते। हमने सीसीटीवी फुटेज में उस बाइक को देखा है, वो कैमरा सामने वाले पेट्रोल पंप में लगा हुआ था। अगर मुजरिम पकड़ा जाएगा तो तुम सुरक्षित रहोगे। अब जाओ, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं बुलाऊंगा। एलेक्स जब तुम्हें पुलिस ले गई थी तो इस फोन पर बहुत से कॉल्स आए थे मगर मैंने उठाए नहीं। वैसे तुमने अभी तक मुझे कुछ बताया नहीं है, इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? एक मिनट रुके भाई साहब, अस्पताल ले जाना है। किसी ने इन पर हमला कर दिया। चलो बाइक पर उन दोनों में से एक था शाइनी, मेरा बेटा। या अल्लाह ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे हमेशा इसी नंबर से कॉल आए थे। तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे भरोसे पे किया था और अब ये सब करने के बाद तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे हो? तुमने न्यूज़ देखा? मुझे बहुत फिक्र हो रही है। मैं सब कुछ डैड को बता दूंगा, फिर तुम भी फंस जाओगे। हमारी आखिरी उम्मीद ये मोबाइल फोन जो अब हमारे पास है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस बाइक आसानी से ढूंढ लेगी, उससे पहले हमें ये फोन करने वाले को पकड़ना हो, नहीं तो मेरे बेटे को हत्या के जुर्म में जेल हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, हमें ऐसा नहीं होने देना है, किसी भी तरह उसे बचाना है। मुझे लगता है एनी का यही फैसला है, इसी वजह से ये मोबाइल सबूत बनकर तुम्हारे हाथ लग गया। मेरे पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं और इन 10 दिनों में मुझे अपने बेटे को ढूंढना होगा। बेटी। हाँ क्या हुआ वर्गीस? मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ, मैं उसे इस घर में एक मुजरिम के साथ नहीं रहने दे सकता। यहाँ पर भी कुआं है और कुआं तो उसकी कमजोरी है और मेरी वो इकलौती बेटी है। अगर तुम अपनी बेटी से मिलने आए हो तो मिलकर चले जाओ। बेटी। पापा। बेटी क्या तुमने अपने मामा के बारे में खबर सुनी? जेल से बाहर आते उसने सिक्योरिटी गार्ड को मार दिया, ऐसे में तुम्हारा यहाँ पर रहना सेफ नहीं है। सामान ले आओ, हम चलते हैं। मामा किसी को भी नहीं मार सकते। तुम्हें पता है पुलिस को सारे सबूत मिल गए हैं, वो उसी आधार पर उसे दोषी ठहराएंगे। जो भी हो
किसे पता वो अपने हाथों से कब और किसको मार देगा। जल्दी करो, अपना सामान बांधो और मेरे साथ चलो। मैं कहीं नहीं आने वाली, आपको भूख लगी है, आप अंदर आके बैठिए, मैं खाना लाती हूँ। तो फिर मेरे लिए एक दो अंडे फ्राई कर दो, जो भी दोगी खा लूंगा, ले आओ। वहाँ के लोग और वहाँ के नेता बहुत गुस्से में हैं। सीसीटीवी में जो बाइक दिखी थी उसे पुलिस ढूंढ रही है। ये देखो, ये नंबर नोट करो। ठीक है। हेलो हेलो, तुमने दोबारा मुझे फोन क्यों नहीं किया? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं कल शाम तक का तुम्हें टाइम देता हूँ। डैनी के साथ बाइक पर यही लड़का हो सकता है, हमें इसको ढूंढना होगा। दूसरा वाला बीच बीच में कॉल कर रहा है, हमें उसे भी ढूंढना होगा। यहाँ आसपास कोई मस्जिद है क्या? यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर एक मस्जिद है। जब मेरे पैर में चोट लगी थी तब मैं अक्सर वहाँ जाया करता था। इसके अलावा एक और मस्जिद है, चिट्टाटोमुखो में एक मस्जिद है। तुमने क्यों? जब वो फोन पर बात कर रहा था तो मुझे अजान की आवाज आ रही थी, मुझे लगता है वो इन्हीं 2 मस्जिद के आसपास होना चाहिए। हमें उसे कल शाम तक ढूंढना होगा, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। हमें उसे पब्लिक बूथ से उस नंबर पर फोन करना होगा, ताकि मैं संभालूं। भाई रुक, अरे तो एक अच्छा पति तो नहीं बन सका, और उसके लिए वक्त भी नहीं, और तो एक अच्छा पिता बन सकता है अगर तूने इसका अच्छे से ख्याल रखा तो बुढ़ापे में तेरा सहारा बनेगी। शराब में डूबो मत दे अपने आप को। मेरे कहने पर तुझे अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, मैं तो कुछ दिन में चला जाऊंगा। अगर तू अच्छा बनेगा तो तुझे अपने पापों की माफी मिल जाएगी। प्लीज। क्या हुआ? यहाँ पर आसपास कोई स्कूल का बच्चा नहीं रहता है। इट्टा टुपल्ली जाकर देखते हैं। हाँ बैठो गाड़ी में। मैंने तेरा चेहरा न्यूज पर देखा, मैं सब समझ गया। तुझे अपने बच्चे को बचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, समय बहुत कम है। जानता हूँ, मैंने अपने बेटे को बचाने की ठानी और मैं ये हर हाल में करूंगा। हाँ अब्दुल जी, हाँ ठीक है, अब्दुल भैया थे, पुलिस से इंक्वायरी के लिए आई थी, तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना होगा पहचान करने के लिए। उसे बुलाओ। एलेक्स, इधर आओ। जो लड़का बाइक चला रहा था वो इनमें से कोई है? एक मुजरिम शायद दूसरे मुजरिम को पसंद करता है, पर यहां मत करना, जाओ और ध्यान से देखो। क्या हुआ? इनमें से कोई नहीं। तुमने ठीक से तो देखा ना? हाँ सर। ठीक है, तुम जा सकते हो। एलेक्स रुको जरा, क्या तुम इस लड़के को जानते हो? तुम इसे जानते हो? बताओ मुझे।
क्या तुम इसे नहीं जानते? बताओ। अरे ये मेरा बेटा है। बढ़िया था तुम्हारा ढोंग कि तुम खुद के बेटे को पहचानते ही नहीं हो। बहुत चतुर। एलेक्स, ये जिस बाइक पर आया है और सीसीटीवी में जो बाइक दिखी है दोनों एक जैसे हैं। देखो, सिक्योरिटी पर जो हमला हुआ है उसके इकलौते गवाह तुम हो। तुम्हें कुछ कहना है? तुम्हारे बयान के मुताबिक हमले के दौरान सिक्योरिटी ने उनमें से एक का गला पकड़ा था। हाँ सर। उसने उसे बाएं हाथ से पकड़ा था या दाएं हाथ से पकड़ा था? मुझे ठीक से याद नहीं। मैं अब समझ गया कि तुम झूठ बोल रहे हो, पर इसका कोई फायदा नहीं। देखो, उसके गले पर नाखून के निशान बने हैं। अगर तुम्हारा बयान और इसका कोई संबंध है तो ये ऊपर वाले का इशारा है मुजरिम के खिलाफ। कल हमें फॉरेंसिक रिपोर्ट मिल जाएगी कि ये निशान उस आदमी के नाखून से बने हैं, और अगर ये साबित हो गया तो इसे जेल में सड़ना होगा। इस केस की तहकीकात मेरी ड्यूटी है, अब तुम जा सकते हो। क्या हुआ? मैंने अपने बेटे को देखा। इसीलिए तुमने इतने वक्त तक उसको मुझसे छुपा कर रखा। ये दिन देखने के लिए मैंने इतना इंतजार किया। तुम मुझे बता सकते थे। बस करो। बैठे बैठे क्या सोच रहे हो एलेक्स? अपने बेटे के बारे में सोचकर मैं अपने मन का संतुलन खो रहा हूं। उससे कुछ नहीं होगा। मुझे जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। इस आजादी से तो कैद अच्छी थी। ये लो पैसे। क्या हो गया? मैंने ये मोबाइल अपने दोस्त की मोबाइल की दुकान पर जाकर खुलवाया और ये नंबर मिले हैं। सिर्फ दो नंबर से ही फोन आ रहे हैं। अच्छा, इसने बहुत बार फोन किया जब वो हादसा हुआ, और उसके अगले दिन तकरीबन 12 बार। क्या उसके घर का पता चला? हमने मस्जिद के आसपास में पूरी इंक्वायरी की। वहाँ पे दो बच्चे हैं जो शाइनी के स्कूल में पढ़ते हैं, उनमें से एक लड़की है। और दूसरा कौन था? मिला नहीं। वो एक पुलिस वाले का घर था, इसलिए हम वापस आ गए। बेकार का लफड़ा होता है ना। उसका नाम विनोय है, मेरे दोस्त का बेटा, और ये विनोय अक्सर एक साथ फुटबॉल खेलते हैं। सर क्या है, मनाने आया क्या मुझे? नहीं, मैं तो आपसे मिलने आया हूं। आपने मुझे मुजरिम के खिलाफ भगवान के दस्तखत के बारे में बोला था ना, आप भी अभी वही सुन रहे हैं। सर, हादसे के दिन सुबह से इस नंबर से फोन आए हैं, उस मुजरिम के पॉकेट से जो मोबाइल गिरा उस पर। हादसे से एक घंटे पहले तक अगले दिन भी उसके लगातार कॉल आते रहे हैं सर, और ये फोन तभी आना शुरू हुए जब वो सिक्योरिटी वाले के मरने की खबर पता चली। सर, क्या मैं आपको एक और बात बताऊं? जैसा आपने कहा था, वो सिक्योरिटी वाले के नाखून के निशान अगर मेरे बेटे के ऊपर है तो ये लड़का दोषी साबित हो जाएगा और ये केस भी सॉल्व हो जाएगा। मैं यकीन से कह सकता हूं कि सिक्योरिटी वाले की मौत तभी हुई जब उसका सर दीवार से टकराया था। मैं इकलौता गवाह हूं ये सबका। उम्मीद है अब तो आप समझ ही गए होंगे कि असली कातिल कौन है। तो कौन होता है? पुलिस को तहकीकात सिखाओगे? मैं आपको तहकीकात करने के बारे में नहीं सिखा रहा हूं सर, मुझे अपने बेटे को बचाना है, वो भी बहुत थोड़े वक्त में।
इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होने के नाते ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं। इसको एक मुजरिम के नाते नहीं, इसको एक पिता की विनती समझिए। सही रणनीति अपनाएंगे तो हमारे बच्चे बच जाएंगे। उन्हें जेल मत भेजिए, क्योंकि मुझे पता है कि जेल में कितनी मुसीबतें होती हैं। जरा दिल से सोचकर फैसला कीजिए। एलेक्स, एक और ऐसा राज है जो मैं तुमसे अब तक छुपाता रहा हूं। ये सच है कि तुम्हारे पैरोल के पेपर्स पे शाइनी ने दस्तखत किए थे, पर उसके लिए उसने 25,000 रुपए मांगे थे। उन पैसों का इंतजाम मैंने किया था। उसने वो पैसे ले जाकर सुदर्शन को दिए, वही गांजा और गांजा ऑयल खरीदने के लिए। अब उसका यह हाल है कि वो पैसों के लिए कुछ भी करेगा, ये जानने के बाद उसको सलाह देने का कोई फायदा नहीं है। और सुदर्शन को पुलिस से पकड़वाने की कोशिश की थी मैंने, ये तोहफा मिला है मुझे अपनी भलाई का। तू शाइनी फिलिप्स को जानता है क्या? मुझे बता क्या किया तूने? शाइनी फिलिप्स मेरा दोस्त है सर। उस दिन ऐसा हुआ कि वो मुझे अपने साथ ले गया। मुझे उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पापा। सर आप यहाँ कैसे? एलेक्स, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। बात क्या है? तुम्हें अपने बेटे को पेश करना होगा, उससे पूछताछ करनी है मुझे। लेकिन वो तो आप ही की कस्टडी में है ना? नहीं, मैंने तो उसे आपके वकील के साथ भेजा था। मैंने किसी वकील को नहीं भेजा है। तो फिर वो कहाँ है? सर मैं अपने अपने बेटे को ढूंढूंगा, पर आपको मुझसे एक वादा करना होगा। आप सिर्फ अपने बेटे को ही नहीं, मेरे बेटे को भी बचा लेंगे। मेरा बेटा कहाँ है? वो अब नहीं आएगा। मेरे पास कुछ ही घंटे बचे हैं, और इससे पहले कि मैं वापस चला जाऊं, मैं तेरा सारा का सारा कर्ज चुका देना चाहता हूं। जो तूने मेरे भाई के साथ किया, जो अब्दुल भाई के साथ किया, उसका सारा कर्ज। मेरे साथ जो किया वो मैं भूल जाऊंगा, और जो तूने मेरे बेटे के साथ किया उसके लिए अगर तुझे माफ कर दूं तो मेरी एनी मुझे माफ नहीं करेगी। अखिलेश है तेरे चलने का काम आएगा। इन सबको गाड़ी में बिठाओ। चलो उठ, इसे जीप में डालो। एलेक्स,
हमने दोषी को पकड़ लिया है। कोट्टामम एटीएम के मामले का दोषी पकड़ा गया है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुजरिम पुलिस के हाथ आया। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के हिसाब से मुजरिम को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा और ऑफिसर ने मीडिया से कहा है कि अभी के लिए वो दोषी के बारे में हमें कुछ नहीं बता सकते। क्राइम नंबर 1016/2017 कोट्टामम स्टेशन क्राइम, फिलिपोस के बेटे एलेक्स। योर ऑनर, इस गुनहगार की रिमांड एप्लीकेशन फाइल हो चुकी है। तुमको कस्टडी में लेने के दौरान क्या पुलिस ने तुम्हें कोई हानि पहुंचाई? जी नहीं। तुम्हें और कुछ कहना है? मैंने ये जुर्म नहीं किया, मैं निर्दोष हूं। योर ऑनर, इस गुनहगार को जुडिशियल कस्टडी में डाला जाए। अब्दुल चाचा, पापा ने कुछ नहीं किया, वो मैं था जिसने गलती की। पापा ने कोई गलती नहीं की। उसके साथ पहले भी ऐसा हुआ था, बिना जुर्म किए ही वो जेल चला गया था। तुम्हारे पापा ने तुम्हारी माँ को नहीं मारा तो फिर? मिर्गी की वजह से वो कुएं में गिरी, मगर एलेक्स उसे बचा नहीं पाया। बस अगर वर्गीज गलत बयानबाजी न करता तो तुम्हारे पिता बच जाते। अब्दुल चाचा, किसी भी तरह मेरे पिता को बचा लो। The accused is remanded to judicially custody for 14 days. दोषी को 14 दिन तक judicial custody में रखा जाए। सर, अंदर क्या हुआ बता सकते हैं? हटाओ इन्हें, हटाओ। अरे आप लोग समझते क्यों नहीं है? क्या बताएं, नतीजा क्या निकला? सर प्लीज बताइए। सर जी, मैंने 8 साल जेल में बिताए उस जुर्म के लिए जो मैंने किया ही नहीं था। मुझे उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी आनी को एक बार चांटा मारा था, जिसे खरोंच भी नहीं आने दी थी। जब वो मिर्गी के दौरे की वजह से कुएं में गिर गई, मैं उसे बचा नहीं पाया था सर। उसके लिए मैंने कोर्ट में सफाई तक नहीं दी, और मुझे हमेशा लगा कि मैंने उसके प्रति बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मैं उसके बिना कभी जिंदगी जीना नहीं चाहता था, और मैं जब अपने बेटे के बारे में सोचता हूं तो मुझे जीने की इच्छा होती है सर। मुझे किसी भी तरह अपने बेटे को बचाना है। जब मैं बाहर आया, मैं नहीं जानता था कि वो एक गैंग में था, जहां से वो अपने आप को बचा नहीं सकता था। मुझे उसको बचाना है। मैं चाहता हूं कि वो जिंदगी जिए, इज्जत की जिंदगी जिए। वो मेरा इकलौता बच्चा है, मुझ पर दया कीजिए, उसे बचा लीजिए साहब। ये मत कहना कि आप उसे नहीं बचा सकते, वरना मैं आपके बेटे को भी मुजरिम साबित कर दूंगा। उसके साथ आपका बेटा भी शामिल होगा। सोच लीजिए, आप शायद ऐसा तो नहीं चाहेंगे ना? मैं अपने बेटे के खिलाफ कोई गवाही नहीं दूंगा। अगर आपको सिर्फ एक दोषी चाहिए तो मैं आऊंगा, मैं बनूंगा दोषी, मैं ये जुर्म कबूल कर लूंगा। मेरा बेटा मेरे खिलाफ गवाही नहीं देगा, और मैं भी कोई गवाही नहीं दूंगा। अगर आप मेरे बेटे को मुजरिम बनाएंगे, मैं कोर्ट में जुर्म कबूल कर लूंगा, गुनाह अपने सर ले लूंगा। बाकी सब आपको सोचना है। एलेक्स, सच्चाई का पता हमें थोड़ी देरी से लगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे को हम संभाल लेंगे। पापा,
मैं जा रहा हूं मेरे बेटे की जिंदगी बचा के, उस पाप के दलदल से बाहर निकाल के। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मैं उसे दोबारा मिल पाऊंगा। मुझे यकीन है कि मेरा बेटा मेरा इंतजार करेगा और मेरी एनी की यादें भी।